हेलो दोस्तों, पहली बार हम आपके साथ इसे मुलाकात कर रहे हैं। तो मुलाकात की ये मकसद है कि हम KVS जो चल रहा है, अब KVS चल रहा है, तो अभी जो आपका आर्मी पब्लिक स्कूल भी निकल के आया है, उसका पोस्ट निकल गया है, DSSB का आखिरी जो एग्ज़ाम है 28 तारीख को, तो ये सब चीज़ और सीटेट भी होने वाला है दिसंबर को, तो ये सब के लिए बहुत सारे जो सिलेबस हुआ तो उसका हम ब्रीफली डिस्कशन कर सके, उसका क्लास ले सके। और एक बात, आपको पता होगा कि PRT TGT में कुछ सिलेबस चेंज हुआ है KVS में, तो ये सब्जेक्ट कंसर्न सिलेबस है, तो इसके थ्रू हम बात कर सकें, तो इसके थ्रू आपको कुछ टिप्स वगैरह दे सके। इसके जो जो टॉपिक्स है, बच्चों को परेशानी होती है क्योंकि वो पहले से बुक ले रखे थे पहले वाला एग्ज़ाम के, तो यहाँ अब क्या हो रहा है कि हम क्या करते हैं, बाज़ार से एक जो आर्यन का आता है, जो दिशा पब्लिकेशन का आता है, उसी पब्लिकेशन का एक बुक उठाते हैं, फिर प्रिपेयर करते हैं, फिर एग्ज़ाम देने जाते हैं, पर उन्हीं से हम सारे के सारे चीज़ नहीं हमको मिलता है, इसीलिए हमारा रैंक नहीं आता है। मतलब ठीक है, तो पिछली बार हम अगर बताएं आपको तो 150 से 100 मार्क गया था, कट ऑफ गया था PRT के, फिर इस साल ज़्यादा जाने वाला है क्योंकि आपको पता होगा BEd वालों को अलाउ कर दिया गया है और जो नॉन सीटेड वालों हैं उसको भी अलाउ कर दे। मतलब एक बंदा अगर सीटेड क्वालिफाई करता है 2018 में तो वो KVS के लिए एलिजिबल होगा। मतलब वो KVS तो अप्लाई कर चुका है, अगर वो दोनों एग्जाम में क्वालिफाई करता है तो वो KVS के रेस में है। मतलब इसका कट ऑफ आपको पता चलना चाहिए, अगर पिछले साल 100 गया था, इस साल 120 130 पर जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आपका कोई मदद कर सके, तो इसीलिए जो जो PRT के जो भी कुछ, तो हम बात करने वाले हैं कि आपको पता होगा कि पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था तो मैं बता रहा था कि उसका कट ऑफ गया था, 100 कट ऑफ गया था, और वो कट ऑफ गया था किसी लिए कि आपका करंट अफेयर्स था 40 मार्क्स, फिर अभी करंट अफेयर्स कितना कर दिया गया, 10 मार्क्स, और फिर GK के साथ मिलकर आएगा। तो अब आपका जो है सिलेबस है, वो सिलेबस के थ्रू हम जाएंगे, पूरा सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे, जो जो सब्जेक्ट है। मैं अभी आपको हिंट्स देता हूँ, जस्ट आप अगर इंग्लिश, आपका इंग्लिश कितना आएगा पहला पार्ट में, आपका अगर पहला पार्ट की हम बात करें तो आपका इंग्लिश आने वाला है कितने मार्क, 20 मार्क। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट कंसर्न सब्जेक्ट है वहाँ पे इंग्लिश 20 मार्क आएगा, हिंदी 20 मार्क का, आपका जो GS है मतलब आपका एनवायरमेंट स्टडीज़ होगा, साइंस होगा, उससे मिलकर आपका 20 मार्क का क्वेश्चन आएगा, फिर मैथ से 20 मार्क का क्वेश्चन आएगा। हो गया, तो पहले पार्ट की बात करें हम तो वहाँ क्या होगा कि आपका इंग्लिश आएगा 10 मार्क, हिंदी 10 मार्क, आपको पता होगा कंप्यूटर लिटरेसी 10 मार्क का आएगा, और GK जन और उसके साथ करंट अफेयर्स मिलकर 10 मार्क का आएगा। ठीक है, और आपका रीजनिंग आएगा 10 मार्क का, फिर आपका आएगा पेडागोजी 20 मार्क्स का। जिसने DSSB के लिए प्रिपेयर करके रखा है उनको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो 100 मार्क का पेडागोजी देते हैं, बहुत पढ़ते हैं बहुत सारे। आपका आपको पता होगा इस साल DSSB ने क्या किया था कि NIOS के टॉपिक से लाके कुछ रख दिया था आपके आगे, तो ये प्रॉब्लम हो रहा था कि बच्चों को, तो वो क्या, तो NIOS के से ला के रख दिया था, तो वहाँ क्या हुआ था कि बच्चे उसको क्रैक नहीं कर पा रहे थे, उसको आंसर नहीं मालूम हो रहा था, बहुत सारे उसको 100 मार्क्स से 40 मार्क का लाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो इसीलिए आपको ये बता रहे हैं कि आपको हम NIOS की भी पेडागोजी जो है 501 जो पेपर है उसका वो भी प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि ये बहुत वास्ट कोर्स हो जाता है आपको। आप अगर बाज़ार से ला के आर्यन दिशा ये सब बुक्स ला के पढ़ेंगे तो ये सफिशिएंट नहीं होगा आपके लिए, आपको NCERT के बुक होते हैं वो फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि NCERT का बुक वो बेस होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए NCERT का बुक बेस होता है, उसी बेस का ऊपर जो भी हमारा सॉल्व पेपर बनता है, जो भी सॉल्यूशन पेपर बनता है तो उसी के ऊपर बनता है, तो ये हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। हम आपको ये गारंटी देते हैं कि प्रैक्टिस करेंगे, आपके साथ प्रैक्टिस कराएंगे आपको। ठीक है, और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको डाइट में जो कोई स्टेट से आप हो वो डाइट के सारे सिलेबस सेम है, कहीं कहीं जगह वो वेरी कर सकता है पर सारे के सारे सिलेबस सेम है, तो वो डाइट के जो सिलेबस होते हैं उसको प्रैक्टिस कराएंगे पेडागोजी कोर्स के लिए,
जो 20 मार्क्स का है, पर इसको हम अगर नज़रअंदाज करेंगे तो वो भारी पड़ सकता है, क्योंकि 20 मार्क्स कहीं से आता नहीं है। और हम बता रहे हैं कि इस साल 150 मार्क्स से 120 या 110 तक कटअप जा सकती है, क्योंकि आपका 30 मार्क्स मतलब आपका नहीं गलती हो गया तो चलेगा, ठीक है। क्योंकि उसके बाद आप अगर जितना ज़्यादा मार्क्स लाओगे आपको इंटरव्यू में ज़्यादा, आपको पता होगा कि 85% मार्क्स ऑफ वो रिटर्न से देते हैं और 15 मार्क्स और देते हैं क्या से इंटरव्यू से देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इंटरव्यू हम अगर बात करें दिल्ली हरियाणा के बच्चे की बात करें, बिहार के, यूपी और गुजरात के बच्चों की बात करें, वहाँ के बच्चे के क्या है कि हिंदी स्ट्रांग है, ठीक है, वो इंटरव्यू में अच्छे कर पाएंगे। और जो लेडीज़ जो होते हैं वो शायद पेडागोजी में, मैं सोचता हूँ ये, और ये भी हम अगर देखेंगे तो ये सही होगा कि पेडागोजी उनका स्ट्रांग होता है, वो बच्चों को ठीक से कंट्रोल कर सकते हैं। पर इसके जो रहते हैं बॉयज़ रहते हैं उसके पेडागोजी इतना अच्छा नहीं होता है, वो ठीक से कंट्रोल नहीं करते। इसके लिए इसको भरपाई करने के लिए मतलब इंटरव्यू के मार्क को भरपाई करने के लिए आपको रिटर्निंग में मार्क लाना पड़ेगा, ठीक है। और हम ये वादा करते हैं आपके साथ कि हम इंटरव्यू तक ही आपके साथ रहेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए। आपके दोस्त जो भी KVS के लिए प्रिपेयर कर रहा है, KVS के फॉर्म भर रखा है, आप उसको बोलिए कि वो आप हमारे साथ जुड़ जाए, फैमिली के साथ जुड़ जाए, क्योंकि हम सारे के सारे KVS के सिला, हम PRT की बात कर रहे हैं, TGT PGT के हम नहीं करा सकते, क्योंकि एक साथ तीनों जो है इसके लिए कराना कोई आम बात नहीं है। और 2 महीने सिर्फ 2 महीने रह गया है, 2 महीने में हम सारे के साथ PRT के सिलेबस कराएंगे आपको, उसके साथ करंट अफेयर्स भी कराएंगे, वीकली करंट अफेयर्स कराएंगे, वीकली जो निकल के आता है करंट अफेयर्स कराएंगे। करंट अफेयर्स से आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला है, सिर्फ आपको आना वाला है मतलब तीन से चार क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि GK से भी क्वेश्चन आएगा, ये सब हम आपको कराएंगे, ठीक है। और एक बात आप देखिए, यहाँ क्या होता है कि इंग्लिश और हिंदी आपको 30-30 मार्क्स देना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड पार्ट में 20 मार्क्स, पहली पार्ट में 10 मार्क्स, 30-30 मार्क्स देना पड़ेगा, ठीक। तो इस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। और GS एक भास्ट सब्जेक्ट है, आप अगर NCERT के बुक फॉलो करते हैं तो अच्छा है, क्योंकि आप अगर कोई पब्लिकेशन के बुक फॉलो करते हैं तो मैं सोचता हूँ आपके लिए वो भारी पड़ेगा, क्योंकि आप वहाँ से सारे क्वेश्चन नहीं आपको मिलेगा, क्योंकि इस बार जो DSSB दिए हैं उसको मालूम होगा कि क्या दिक्कत हुई है उनके साथ, क्या प्रॉब्लम फेस किए हैं वो, क्योंकि वो जो प्रिपेयर करके गए थे, वो जो कोचिंग सेंटर में प्रिपेयर कराते हैं जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, वहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आया था और उस इसीलिए दिक्कत हुआ। मतलब इस साल आपको पता, मैं आपको नॉलेज के लिए बोल देता हूँ, DSSB के कट ऑफ कितना जाएगा, मतलब जो क्वालिफाई करेगा वो सिलेक्शन होगा, ठीक है। क्योंकि इतना ही कट ऑफ आ गया था, क्योंकि हम ट्रेडिशनली हम प्रिपेयर करते हैं, हम NCERT के थ्रू नहीं जाते हैं, हम बेस मजबूत नहीं करते हैं, इसीलिए हमको दिक्कत होता है। तो ये जो DSSB का एग्ज़ाम हुआ था, इसी तरह अगर KVS का पेपर आ गया, इसका बहुत DSSB से KVS का इजी आता है, पर अगर आ गया तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इस साल तो बहुत कंपटीशन बढ़ने वाला है। इसीलिए KVS अगर सोचता होगा कि इतना सारे बच्चे अप्लाई कर दिए तो मैं क्वेश्चन टफ कर दूँ तो अब क्या होगा, तो इसीलिए हम आपको सारे के साथ प्रैक्टिस कराएंगे। अगर हम हिंदी इंग्लिश की बात करते हैं तो मैं छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ बता देता हूँ आपको, इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच आपका अपना आएगा, और आर्टिकल्स, डिटरमाइनर्स, फ्रेजल वर्ब्स, मॉडल्स, ऑक्सिलरीज एंड एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेज, पंक्चुएशन, राइटिंग एबिलिटी मतलब आपको लेटर कैसे लिखना है, ऑफिशियल लेटर, नॉन ऑफिशियल लेटर, ये सब, ठीक है। और इंग्लिश टीचिंग, ये सब के बारे में इंग्लिश में आएगा, और ये एक एक करके हम वीडियो बनाएंगे और आपको देंगे, एक एक टॉपिक मतलब पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, फिर आपको देंगे, मतलब डिटरमाइनर के ऊपर, आर्टिकल्स के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे आपको, पर हर एक हर सब्जेक्ट के ऊपर हम वीडियो बना कर आपको देंगे। स्पेशली हम ये ट्राई करेंगे कि सारे के सारे कोर्स कवर हो सके और अच्छी तरह कवर हो सके, आपको अच्छी तरह पता चल सके, ताकि KVS के एग्ज़ाम को आप एक ही तरह कर सके। और हमारा जो क्रिएटिव आइडिया के जो चैनल है, इसके सारे साथ जो बच्चे जुड़ते हैं, हम ये एक टारगेट रखेंगे कि हम एक साथ KVS क्वालिफाई करेंगे और हम एक रिकॉर्ड बनाएंगे कि इस चैनल के हम जो बच्चे हैं जो जुड़े हैं हमारे फैमिली के साथ, ये सब KVS में कहीं ना कहीं जगह अपने सेट लाइफ को सेटल कर चुके हैं। ये हम देखेंगे दिसंबर महीने के बाद, आपको एग्ज़ाम देने के बाद ये हमको देखना मिलना चाहिए। और हम मैं बोलता हूँ, मैं आपके लिए हार्ड वर्क करूँगा, आपके लिए कोर्सेस बनाऊँगा, आपके लिए वीडियो बनाएंगा, और आप
ये वादा कीजिए हमारे साथ कि आप भी हार्ड वर्क करेंगे ताकि केवीएस में आप सक्सेस पा सके और सीटेट में आप सक्सेस पा सके। और सीटेट की बात करता हूँ, आप केवीएस की बात करता हूँ, सीटेट भी इसी कोर्स से आने वाले है। तो सीटेट में क्या होता है कि हमें एक्स्ट्रा क्या मिलता है कि हमें उड़िया जो होता है, गुजराती होते हैं, जो तमिल होता है, बांग्ला होता है, ये सब लैंग्वेज जो होता है रीजनल लैंग्वेज ये सब आता है। तो पर हम वो नहीं प्रैक्टिस करा सकते क्योंकि हम एक ही स्टेट से हैं, हमें दूसरी भाषा पता नहीं है, तो इसे हम प्रैक्टिस नहीं करा सकते। पर हम ये वादा करते हैं आपके साथ जो पेडागोजी प्रैक्टिस कराएंगे वो आपका आने वाला है, और जो मैथ हम प्रैक्टिस कराने वाले हैं वो आने वाला है, और हम जो इंग्लिश हिंदी ये सब प्रैक्टिस कराएंगे वो भी आने वाला है। तो एक साथ केवीएस और सीटेट एक साथ प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आप बने रहिए हमारे साथ। हिंदी बात करें हिंदी का, तो हिंदी आपको हिंदी में क्या आएगा, भाषा, ठीक है, मतलब आपका जो ध्वनि होता है वो आएगा, भाषा मतलब स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण ये सब आने वाला है। और हम ये सारे इस भाषा के जो परिवार होते हैं, चार परिवार से हम पढ़ते हैं, वो भी आने वाला है, सारे के सारे आने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद वर्ण विचार, आपको पद विचार, उपसर्ग प्रत्यय, संधि, समास, तत्सम और तद्भव शब्द, ये सब आप 9th, 10th, 8th में पढ़ चुके हैं शायद। वाक्य रचना, पद परिचय, ठीक है, मुहावरे और लोक कथाएँ, विलोम शब्द, समुच्चारित तथा भिन्नात्मक शब्द, एकार्थी समानार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विराम चिन्ह, अलंकार, अपठित गद्यांश मतलब अनसीन पैसेज जो इंग्लिश में बोलते हैं हम, और हिंदी शिक्षण, ठीक है, ये हुआ मेथड हिंदी शिक्षण, ये आने वाला है हिंदी में, ठीक है। और एक बात बताऊं मैं, जो बीएड वाले अप्लाई किए हैं तो वो जो सारे स्टेट से अप्लाई किए हैं, शायद मैं सोचता हूँ 50% बीएड वाले जो हैं ये हिंदी जो हम क्लास लेंगे वहाँ से आपको बहुत मदद मिलेगा, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे बीएड वाले हैं जिसको मतलब सीट जो डीएलएड कर रखे हैं उसको हिंदी में थोड़ी बहुत ज्ञान है, पर बीएड वाले मैं सोचता हूँ बहुत सारे को ज्ञान होगा, बहुत ज्ञानी हैं बीएड वाले हिंदी में, पर कुछ बच्चे हैं हिंदी में कमज़ोर है, मतलब हम नहीं बता सकते कि एक बच्चा ऐसा हर बच्चा ऐसा हो कि उनके हर सब्जेक्ट में उसका 100% नॉलेज हो। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हिंदी में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हिंदी में कमज़ोर है, पर आप हमारे साथ बने रहिए, मैं गारंटी देता हूँ हिंदी में आप टप करोगे, किंतु क्योंकि हिंदी बहुत ईजी आता है, केवीएस हाँ जो भी सेंट्रल एग्ज़ाम देते हैं हिंदी बहुत ईजी आता है, ठीक है। और एक बात, हम अगर मैथमेटिक्स के तरफ चले तो वहाँ क्या होगा, और एक बात केवीएस जो रीजनिंग डालता है ना, आप प्रीवियस क्वेश्चन देख सकते हैं, हमारे चैनल में वीडियो डाला हुआ है नॉर्थ ईस्ट और एक केवीएस पेपर आप देख सकते हैं, वहाँ पे रीजनिंग के पार्ट हम चेक कर सकते हैं। आप 40 मार्क का क्वेश्चन आया था वहाँ पे मैथमेटिक्स आता है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स आप वहाँ देंगे कहाँ, जो 20 मार्क सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वहाँ 20 मार्क आपको देने वाले हैं आप, और ये जो 10 मार्क्स है रीजनिंग वो 10 मार्क्स में भी मैथमेटिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो मैथमेटिक्स आप क्या क्या करने वाले हैं, तो नंबर सिस्टम करने वाले हैं, एलसीएम एचसीएफ करने वाले हैं, प्रॉब्लम बेस्ड अरिथमेटिक करने वाले हैं, अलजेब्रा करने वाले हैं, ज्योमेट्री एंड शेप्स करने वाले हैं, मेजरमेंट सिस्टम करने वाले हैं, ठीक है, तो डाटा हैंडलिंग करने वाले हैं, मेंसुरेशन नहीं दिया गया इस बार, तो ये सब करने वाले हैं, ठीक है। तो हम उसके बाद चलते हैं जीएस की तरफ, जीएस में क्या क्या आता है, जनरल साइंस आता है और ईवीएस आता है, ठीक है। और मैं ये सब्जेक्ट जो बोल रहा हूँ आप चेक कर लीजिए एनसीईआरटी के 6, 7 और 8 के बुक, वो सारे के सारे चीज़ मौजूद है वहाँ पे। और एक बात हम बोलता हूँ मैं उसी एनसीईआरटी के बुक से आपको कराऊंगा, जो भी कराऊँ इंग्लिश हिंदी मैथ जो भी कराऊंगा मैं एनसीईआरटी के बुक से कराऊंगा, आपको पूरा बेस पकड़वाऊंगा, आपको बहुत इजी होगा, ठीक है। तो हम जनरल साइंस के बात करते हैं, अगर मोशन वहाँ पे है, फोर्स है, एनर्जी है, सिंपल मशीन है, ठीक है, मैटर है, केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस है। और एक बात मैं हिंदी में आपको जो हिंदी सब्जेक्ट है हिंदी में कराऊंगा, और जो भी साइंस वगैरह है ईवीएस वगैरह वो इंग्लिश में कराऊंगा, क्योंकि हिंदी में अगर हम कराते हैं तो हिंदी तो हर स्टेट के बच्चों को मददगार नहीं रहेगी,
क्योंकि वो उसको दिक्कत हो, क्योंकि वो इंग्लिश में ज़्यादा अच्छी समझ सकते हैं पर हिंदी में दिक्कत होगा, तो इसीलिए माफ़ करें जो दिल्ली हरियाणा और यूपी के बच्चे हैं, माफ़ करें, पर आप भी इंग्लिश में अगर प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा होगा। हिंदी से इंग्लिश, मैं सोचता हूँ कि हिंदी से इंग्लिश लैंग्वेज अच्छा है, मतलब अच्छा मतलब ये इसी बात के बोल रहा हूँ मैं, अंडरस्टैंडिंग के साथ हम अगर करेंगे तो हम जल्दी, और टाइम कंज्यूमिंग होगा ये वाला अच्छा है। मतलब मैं भाषा के, दोनों भाषा के बीच कोई मैं हाल निकाल नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स, तो हाइड्रोकार्बन्स, लिविंग वर्ल्ड, प्लांट्स लाइफ, न्यूट्रिशन, ह्यूमन बॉडी, आवर एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन, नेचुरल वेजिटेरियन एंड वाइल्ड लाइफ, ये सब साइंस में ये सब आने वाला है। मतलब साइंस का कोर्स थोड़ी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, हर टॉपिक आपको प्रैक्टिस कराएंगे, ब्रीफली प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। और डेमोक्रेसी, अभी चलते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ की तरफ। एनवायरमेंटल स्टडीज़ का आपको क्या दिखने को मिलेगा, ज्योग्राफी दिखने को मिलेगा आपको, हिस्ट्री दिखने को मिलेगा आपको, क्या दिखने को मिलेगा आपको, सिविक्स दिखने को मिलेगा, पॉलिटी दिखने को मिलेगा, मतलब इकोनॉमिक्स दिखने को मिलेगा, सब हर हर तरह चीज़ दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम अभी चलते हैं डेमोक्रेसी जो हुआ, पॉलिटी, सोलर सिस्टम एंड ग्लोब, ये ज्योग्राफी से आ गया, लोकेशन ऑफ इंडिया ये आ गया ज्योग्राफी से, पोल्यूशन ग्रोथ ऑफ इंडिया ये आ गया ज्योग्राफी से, द इंडियन नेशनल मूवमेंट ये आ गया हिस्ट्री से, फाइव ईयर प्लान्स, मतलब ये आ गया आपका कहाँ से, आप जो मेथड आप ईवीएस में कर रखी है, डायट में कर रखी है, वहीं से आ गया है। तो डिजीज, ठीक है, तो ये सब है आपके सामने। फिर रीजन के चलते हैं, 10 मार्क का है पर ये बहुत महत्व रखता है। रीजनिंग मतलब बहुत इजी आता है, सबको आता है, बट तो आप अभी हम अगर आपको दे देंगे, क्वेश्चन पेपर दे देंगे तो आप 7-8 ले आएंगे बेफिक्र, ठीक है। तो वहाँ क्या आने वाला है, एनालॉजी आने वाला है, क्लासिफिकेशन आने वाला है, सीरीज आने वाला है, कोडिंग डिकोडिंग आने वाला है, लॉजिकल वर्ड्स एंड वर्ड्स आने वाला है, इंटरेस्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर्स आने वाला है, ठीक है। तो इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर्स आने वाला है, रैंकिंग टेस्ट आने वाला है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आने वाला है, ब्लड रिलेशंस आने वाला है, डिडक्शन एंड सेंस टेस्ट आने वाला है, लॉजिकल वेन डायग्राम्स आने वाला है, क्लॉक एंड कैलेंडर आने वाला है, सीटिंग अरेंजमेंट आने वाला है, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस आने वाला है, तो ये सब आपके साथ आने वाला है, ठीक है। और जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज में ऐसे कोई सब्जेक्ट, कोई सिलेबस नहीं दी गई है केवीएस की तरफ से, पर हम आपको जो बुक्स वगैरह है, जो राइटर्स बुक्स लगते हैं, जिस हम अभी अभी फ़िलहाल जो स्टेट्स के गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, जो हमारा सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं, और हमारा जो बैंक्स का सीईओ, ये सब वगैरह है, तो हम इंडिया के जो लार्जेस्ट जो और हाईएस्ट जो माउंटेन्स रिवर्स ये सब है, तो ये हम सब कराएंगे आपको जीके में। जीके हार्ड सब्जेक्ट है, कोई भी टॉपिक नहीं दिया गया है, पर अब चुन चुन के हम आपको कराएंगे। फिर करंट अफेयर्स वीकली और 2 वीक में एक बार हम आपको देंगे वीडियो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं कंप्यूटर लिटरेसी की तरफ। मतलब कंप्यूटर लिटरेसी आने वाला है इस साल, नए एक कंसेप्ट लाया है केवीएस ने, तो ये 10 मार्क का आने वाला है, ठीक है। आपको पता होगा कि कंप्यूटर में जो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग वगैरह, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सबके पर थोड़ी बहुत टच करेगा केवीएस का क्वेश्चन, बहुत इजी रहेगा मेरे ख्याल से। तो ये भी हम आपको कराएंगे, 2-3 क्लास लेंगे कंप्यूटर के, ठीक है। तो हम पेडागोजी की तरफ चलते हैं, तो वहाँ पे आपको पता होगा पेडागोजी बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, पर वहाँ से हम आपको वादा करते हैं डाइट के बुक से हम आपको कराएंगे, फिर डाइट के बुक्स जो होते हैं वो बेस्ट चीज़ होते हैं वहाँ से कराएंगे। और इस बार DSS भी तो लाया था NIOS के बुक से, तो NIOS के बुक भी आप, मैं आपको करा दूंगा, बहुत बड़ी वो बुक है, क्योंकि आप पता होगा जो NIOS जो जिस ने कर रखी है, जिस ने कर रहे हैं, तो वहाँ बहुत सारे चीज़ होते हैं आपको पढ़ना। अगर डिफ़िकल्ट होगा, अगर आप कोई जॉब करते हैं, जॉब में है, और दिन में आप 2-3 घंटे आपको पढ़ाई में दे सकते हैं, तो आपको दिक्कत होगा, पर अगर आप 20 मिनट 30 मिनट शायद ये होगा वीडियो के लेंथ होगा, आप अगर देखेंगे तो आपको बहुत मददगार रहेगा। तो आप बने रहे हमारे साथ, हम 2-3 दिन में अपने क्लास स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मैं शायद सोचता हूँ कल आपका वीडियो डालूँगा मैं आपके साथ, तो हम शुरू करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से, तो ठीक है।
वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। तो हम डालते रहेंगे वीडियो, आप देख लेना, थंबनेल देख लेना, थंबनेल में कौन सी चीज़ है, कौन सा क्या लिखा गया है। तो हम सीरियल वाइज चलेंगे, ऐसे रैंडमली नहीं चलेंगे। अगर हम एक पेडागोजी की वीडियो डालते हैं, वो उसके सेकंड पार्ट में आप उसको लिख थंबनेल में लिखा गया होगा, ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, जितने भी पार्ट लिखेंगे हम लिख के डाल लेंगे। और इसके बीच में इंग्लिश आ सकता है, हिंदी आ सकता है, पर जब आएगा जो भी वीडियो आएगा आप थंबनेल में देख लेना ये कितना नंबर का वीडियो है, वहाँ पर लिखा होगा ये सेकंड वीडियो, ये थर्ड वीडियो, ये सब है। ये रैंडमली नहीं आएगा, ये सिस्टमेटिकली आएगा। आपको ये वीडियो देखना है और इसके आप ये वीडियो सिर्फ वीडियो पे आपको नहीं डिपेंड करना है, आप वीडियो देखिए। वीडियो में हम सारे के सारे सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे, फिर आप अपने बुक्स वगैरह पढ़िए। और एक बात, किस किस बुक्स पढ़ना है, मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना रखा हूँ, हाउ टू क्राफ्ट KVS, तो आप ये देख सकते हैं। और सीटेट जो बच्चे देने वाले हैं वो भी याद रखें, ये वीडियो भी आपके लिए मददगार रहने वाला है, ठीक है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम कल से क्लास स्टार्ट करते हैं। और एक बात, हमारे फैमिली में जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, ये पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, आपको ये रिक्वेस्ट है, आप अगर हम सोच रहे हैं हम आपके कोई मदद में आ सकते हैं, तो आप हमारे फैमिली के साथ जुड़ जाइए। आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल और पास में दी गई बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और शेयर कर लीजिए वीडियो। जो आपके दोस्त देने वाले हैं KVS के एग्ज़ाम और सीटेट देने वाले हैं, आप उसको दोस्त को हमारे साथ जुड़ा लीजिए, क्योंकि आपके दोस्त ही कोई इस हमारे चैनल से मदद पा सके, ताकि वो क्रैक कर सके, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और इसे प्यार देते रहिए, धन्यवाद। फिर हम कल मिलते हैं एजुकेशन के वीडियो के साथ, तो पेडागोजी की वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।